दिल्ली की सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल वैसे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। 2019 में कांग्रेस के गठबंधन नहीं करने पर उन्होंने पहले ही राहुल गांधी को बोल दिया था कि आप और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ तो इसका सीधा फायदा मोदी को मिलेगा। लेकिन कल रिजल्ट आने के बाद केजरीवाल के ट्वीट करने के बाद लोगों ने उनको ट्रोल कर दिया। केजरीवाल ने ट्वीट पर लिखा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं, जनादेश सराखों पर। दोबारा उन्हें फिर से ट्वीट किया और लिखा, हमने दिल्ली में अच्छे उम्मीदवार उतारे, हमारे कार्यकर्ताओं ने अच्छा प्रचार किया, लेकिन फिर भी हमें जनाधार नहीं मिला। वहीं हाल ही में खिलाड़ी से राजनेता बने गौतम गंभीर ने केजरीवाल को ट्वीट पर ही समझा डाला और उन्होंने लिखा, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से झूठ बोला, जिसका खामियाजा उनको आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाकर भुगतना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क, नवतेज टीवी।